नमस्कार स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर मैं हूं अशोक वानखड़े लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्सरे कंगना राणावत ने एक इंटरव्यू दिया दैनिक भास्कर में और उसमें कहा कि किसान आंदोलन में जो आंदोलनकारी किसान थे उनके ऊपर इतने घिनों ने लांछन लगाए कि मैं यहां बोल भी नहीं सकता उसको लेकर हरियाणा से लेकर पंजाब और पूरे देश में किसानों में एक प्राप्त हुआ किसानों का क्रोध देखते हुए और हरियाणा में जब चुनाव है इसको देखते हुए भाजपा के हाथ पैर गए और उन्होंने कहा कि कंगना का यह वक्तव्य है और कंगना ने हम हमसे इससे कोई लेना देना नहीं और कंगना को ऐसे वक्तव्य देने के पहले सोचना चाहिए नीतिगत मामले में वो अपना मुंह बंद रखे लगा कि भाजपा मैं थोड़ी अभी शर्म बची हुई है लेकिन जब मैं इस खबर को एक्सरे से देखता हूं तो यही दिखाई देता है कि कंगना के पास तो स्क्रिप्ट भाजपा से ही जाती है वो एक एक्ट्रेस है वो डायलॉग जो उसको मिलते हैं डायरेक्टर जो बताता है उस हिसाब से एक्टिंग करती है चुनाव जरूर जीती लेकिन किरदार एक्टर के ही है उन्हें एक रोल दिया गया है जो पहले स्मृति ईरानी को दिया गया था लेकिन स्मृति खुद ही हाशिए पे लग गई इतना विरोध राहुल गांधी का 24 घंटे किया कि स्मृति ईरानी जी को कोई भी सवाल पूछे तो उसका जवाब राहुल से ही शुरू होता और राहुल पे खत्म होता था आखिरकार अमेठी के जनता ने तुलसी को घर से बाहर कर दिया तुलसी आंगन में ही ठीक तुलसी बैग पैक करके बॉम्बे उनकी जगह कंगना रणावत ने ली और उसको पार्टी ने बड़ा रोल दिया क्योंकि भाजपा यदि अभी परेशान किसी विपक्षी दल के नेताओं से है तो सभी युवा नेता चाहे अखिलेश जी हो चाहे अभिषेक बनर्जी हो चाहे तेजस्वी हो चाहे स्टैलिन हो ये सभी लोग कहीं ना कहीं सरकार को 24 घंटे घेरे हुए हैं और इनमें सबसे बड़ा नाम है राहुल गांधी का राहुल गांधी विपक्ष के नेता होने के नाते एलओपी होने के नाते उन्हें कुछ विशेष अधिकार भी होते हैं सदन में उसका पूरा उपयोग करते हुए वो लगातार सरकार पर हमलावार है हर बात पे सरकार बैकफुट पे आती है हमने देखा कि क्यों ये सरकार अब बैसाखियों पे है तो इनको भी ये भी समझ में आ गया है कि मनमानी नहीं कर सकते दो दो तीन तीन बिल्स जो है वो वापस हो गए दो दो तीन तीन चीज़ें जो निर्णय लिए उसके ऊपर यू टर्न लेना पड़ा उनके पार्टी के भी जो इंडिया के घटक दल है वो भी कुछ बातों में सरकार को बिल्कुल खड़ी खड़ी बोल सुना रहे हैं ऐसे में बीजेपी को लगता है कि ये ये सारा जो उपद्रव है शुरू करने वाला आदमी है राहुल गांधी तो राहुल गांधी के सामने एक ऐसा व्यक्ति खड़ा कर दो जो उलूल जुलूल बोलते रहे और राहुल गांधी को डिस्टर्ब करते रहे और ये काम कंगना रावत को दिया और जब मैं एक तरह से देखता हूं तो मैंने क्यों कहा कि पार्टी एक तरफ कहती है कि हमारा कोई लेना देना नहीं और फिर पार्टी का स्क्रिप्ट वो पढ़ती है इसलिए कि हिमाचल प्रदेश के विधानसभा में जो किसानों के लिए कंगना जी ने बोला था उसको लेके एक निंदा प्रस्ताव विधानसभा में पारित हुआ क्योंकि वहां पे भी किसान रहते हैं किसानों ने वोट दिया है सरकार को अपने मतदाताओं की इज्जत रखना तो किसी भी विधानसभा का काम है लेकिन तब जब विधानसभा में प्रस्ताव आया तो भाजपा के विधायकों ने वहां जम के विरोध किया और खूब हंगामा किया अब आप आप बताइए, जिस कंगना के वक्तव्य को को पार्टी ने अपने आप को दूर रखा, कहा वो उसका व्यक्तिगत मामला है हमसे कोई लेना देना नहीं और कंगना को समझ भी दी कि नीतिगत मामले में आप कृपा प्रिकुप, करके कुछ मत बोलिए जब ये बोला उसके बावजूद उस निंदा प्रस्ताव का घोर विरोध करना इस बात को दर्शाता है कि ये स्क्रिप्ट भी जो कंगना ने किसानों के लिए बोला था वो भी भाजपा की ही थी अब उसके बाद उस इंटरव्यू के बाद कंगना को समझ तो दी गई लेकिन फिर सारे गोदी मीडिया के टीवी चैनल पे एक के बाद एक कंगना के लगातार साक्षात्कार चलते जा रहे हैं अभी जितने भी साक्षात्कार चल रहे हैं उस साक्षात्कार में सवाल ही ऐसे पूछे जाते हैं कि वो घूम फिर के राहुल गांधी को भरा भरा कहें और कंग कंगना जब बोलती है जो स्क्रिप्ट दी हुई है एक्ट्रेस को देखिए एक्टर को जो स्क्रिप्ट देते हैं उसके भावानुसार वो अपना एक्सप्रेशन करती है और वो डायलॉग डिलीवरी करती है तो कंगना की डायलॉग डिलीवरी अभी कुल मिला लगातार राहुल के खिलाफ चल रही है उसने कहा कि राहुल सिर्फ कुर्सी के लिए काम करते हैं राहुल को देश से कोई लेना देना नहीं सिर्फ कुर्सी के लिए काम करते हैं राहुल के पास कोई स्पष्ट विजन नहीं है और ना कोई व्यवहार करने का तरीका है ही इज अ टोटल मेस राहुल को सीधा टोटल मेस कहा राहुल के काम करने के तरीके में बहुत गड़बड़ियां हैं राहुल के पास कोई रोड मैप नहीं है कोई रास्ता ही नहीं है राजनीति में ना कोई राजनीति में स्पष्टता है अस्पष्ट और कंफ्यूज आदमी है यदि राहुल की तुलना दादी से किए सोनिया गांधी से तो फिर राहुल का रास्ता एकदम अलग है इंदिरा जी से और नेता वाले कोई ठोस विचार राहुल के पास नहीं है आगे उसने कहा कि मैं जातीय जनगणना का घोर विरोध करता हूं जब उसको प्रश्न पूछा गया जातीय जनगणना से उसने कहा जातीय जनगणना का मैं घोर विरोध करता हूं यह देश के लिए ठीक नहीं है अब यह जो इंटरव्यू का पैटर्न है करीब करीब सभी चैनलों में इसी तरह के सवाल और इसी तरह के जवाब आते हैं ये कुल मिलाकर सीधा राहुल पे हमला है और राहुल जिस जातीय जनगणना का कार्ड लेके चल रहे हैं राहुल ने कई बार कहा कि मुझे राजनीतिक नुकसान हो जाए तो चलेगा लेकिन जातीय जनगणना मुझे करवानी ही है जब ये कहते हैं कि जातीय जनगणना करवानी है तो आप करवाइए तो कर्नाटक में तो हो गई तेलंगाना में चल रही है और हिमाचल में हो जाएगी लेकिन बाकी जगह पे क्या चुनाव के दौरान अमित शाह जी ने एक जगह जरूर कहा था मध्यप्रदेश में कि जातीय जनगणना के खिलाफ हम भी कहां है हम भी चाहते हैं लेकिन तरीके अलग होने चाहिए अब तो चुनाव भी खत्म हो गए अब फिर से प्रधानमंत्री बन गए मोदी जी अब आप अपने तरीके से कम से कम जातीय जनगणना तो करिए क्योंकि जब तक जातीय जनगणना नहीं होगी तब तक कौन किस जाति का कितने लोग हैं यह पता नहीं पड़ेंगे और तब तक उनका सत्ता में एम्प्लॉयमेंट में हर जगह जितना शेयर होना चाहिए वो नहीं होगा और ये इतने कंफ्यूज्ड यदि कंगना के वक्तव्य को लो तो राहुल गांधी से ज्यादा कंफ्यूज बीजेपी है एक तरफ नीतीश कुमार के साथ सत्ता में है जो जाति जनगणना की बात करते हैं चिराग पासवान जातीय जनगणना की बात करते हैं उनके साथ वहां सत्ता में है तो जातीय जनगणना की बात करते हैं बीजेपी बीजेपी बिहार से बाहर आते थी जाति जनगणना का विरोध करते हैं धर्म के नाम पर रिजर्वेशन देने का विरोध करते हैं आंध्र प्रदेश में जाते मुसलमानों को चार परसेंट रिजर्वेशन देते हैं या मस्जिदों के ऊपर कपड़े डालते हैं यदि मुलायम सिंह जी ने या अखिलेश ने कब्रिस्तान को फंड दिया दीवारें बनाने के लिए तो समझान और कब्रिस्तान करते हैं और वहां आंध्र प्रदेश में दस हजार रुपए मस्जिदों के लिए देते हैं मेंटेनेंस के लिए वहां बीजेपी की सरकार है एनडीए की सरकार है तो ये जो सब्जेक्टिव चलते हैं लेकिन पूरे देश में यदि जाति जनगणना हुई तो ये जो हिंदुत्व का अमरेला खोल के कि बटेंगे तो कटेंगे ये जो डर दिखाया जा रहा है योगी आदित्यनाथ टाइप जैसे लोगों से ये खुला इन्विटेशन है सारे हिंदुओं को कि आप जब तक एक साथ नहीं रहेंगे तब तक आपका बुरा होगा और ये अल्पसंख्यकों का भय दिखा दिखा कर इन सभी को इकट्ठा कर एक वोट बैंक बनाने का प्रयास करते हैं जिसको जातीय है जनगणना छेद करती है इसलिए जातीय जनगणना नहीं चाहिए तो यदि वो कहती है कि राहुल के पास रोड मैप नहीं राहुल के पास तो रोड मैप है अब कंगना के पास कितना आईक्यू है राहुल का रोड मैप समझने का जिसने देश की आजादी 2014 दो हजार चौदह को बताई है जिसने तमाम आजादी के जितने सिपाही है उसका अपमान किया है उस कंगना से तो और कोई ज्यादा इंटेलिजेंट की बातें तो हम नहीं सुन सकते या सुनने की अपेक्षा भी नहीं है जो कंगना राणावत अपने मतदाताओं को मिलने आने के पहले आधार कार्ड लेके आओ ये बोलती होगी उस कंगना से और क्या अपेक्षा की जा सकती है वो कहती है कि राहुल इज अ टोटल मेस राहुल इज नॉट टोटल मेस कंगना जी इज टोटल मेस शी वॉज इन फिल्म इंडस्ट्री शी इज इन टोटल मेस शी हैज फाइट्स विथ नंबर ऑफ पीपल उनके टोटल मेस जो है वो इंडस्ट्री में थी तो वहां टोटल मेस थी वहां उन्होंने कईयों से झगड़े कर लिए ऋतिक रोशन के साथ उनके झगड़े इतने रास्ते पे आ गए कि उनके जो व्हाट्सएप चैट और एक दूसरे को भेजे हुए मैसेजेस जब मार्केट में आ गए तो पढ़ने वालों को भी शर्म आती थी कि क्या ये भी होता है मेस किसका है वो राजनीति में आई यहां पे भी टोटल मेस है क्योंकि वो नहीं जानती कि वो क्या कर रही है क्या बोल रही है वो बोलती है पार्टी बोलती है हमारा कोई संबंध नहीं पार्टी उनसे बुलवाती है और वो बोलती जाती है जानते हुए कि पार्टी फिर मुझे अलग थलग कर देगी तो फिर ये टोटल मेस नहीं तो क्या है तो टोटल मेस कौन है राहुल गांधी है राहुल गांधी कुर्सी के लिए काम कर रहे हैं तो फिर भाजपा क्या कर रही है आप चुनाव किस लिए जीती है नरेंद्र मोदी को सत्ता पर बिठाने के लिए तो मोदी जी को कुर्सी पर बिठाने के लिए यदि आप चुनाव लड़ती हैं तो फिर राहुल गांधी भजन करने तो राजनीति में नहीं आए उन्हें कहा कि स्पष्टता नहीं है स्पष्टता तो कंगना में नहीं है कंगना में यदि स्पष्टता होती तो उन्हें इतने अस्पष्ट चीजें राहुल के बारे में नहीं दिखती या विपक्ष के बारे में नहीं दिखती लेकिन फिर यह कंगना का दोष नहीं है। यह कंगना को दिया हुआ एक स्क्रिप्ट है भाजपा का तो इसलिए जब जब भाजपा कहती है कि कंगना के इस वक्तव्य से हमारा कोई लेना देना नहीं वो उसका व्यक्तिगत है इसके मामले में इसके मायने ये है कि हमारा उस वक्तव्य से कोई लेना देना नहीं स्क्रिप्ट हमारी है वक्तव्य उसका है स्क्रिप्ट हमारी है आवाज़ उसकी है स्क्रिप्ट हमारी है चेहरा उसका है यही मायने मुझे एक्सरे के नीचे दिखता हूं तो देखते हैं आज इतना ही कल फिर आऊँगा किसी विषय के साथ तब तक के लिए नमस्कार देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर